बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो बेटा, पहले इस यूनिट को स्टार्ट करने से कुछ डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवानी है। अपनी कॉपीज़ को ओपन करें और क्लास में को डेट लिखें, यूनिट 2 लिखें, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और कुछ डेफिनेशन लिख लें। टॉपिक है आपका डेफिनेशन, साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा और मार्जिन लाइन ड्रॉ करके और एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, ठीक है। क्लास वर्क को डेट ज़रूर मेंशन करें। ओके, जी द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज़ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर, ठीक है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट एन अदर नंबर। जैसे 5 3 15, तो 15 क्या, 15 के जो हमारे पास फैक्टर्स आए वो क्या है, 3 एंड 5, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15, 15 पे जितने भी डिजिट्स जो 15 से छोटे होंगे और डिवाइड हो जाते होंगे वो 15 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसमें 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है, ठीक है। इसके अलावा 15 पे कोई डिवाइड नहीं होता, 2 15 पे नहीं डिवाइड होता, 3 15 पे थ्री होता है, 4 15 पे डिवाइड नहीं होता। सिर्फ वो डिजिट्स जो 15 पे डिवाइड हो जाएंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 24, अब 24 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी, 3 भी, 3 8 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 8, 3 ज़ार 24, 12 2 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24, तो ये सारे जो हैं वो 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या हुआ, आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर, ठीक है, जो उस पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाती हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर टेबल्स, ठीक है। मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके मल्टीपल्स आपके आपके पास आते जाएंगे। दीज आर लाइक टेबल्स, जैसे 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 4 6 8 10 एंड 12, सो ऑन, ठीक है। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 15 एंड 18। मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल्स। उसके बाद है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स दैट हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो कोई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक ओनली 1, ठीक है। एक 1 होगा, एक और वो नंबर खुद होगा। जैसे 2, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 2। 3, 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 3। 5, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5। इसी तरह से 13 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 13। ये किसी टेबल में नहीं जाता, ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 2 एंड 4। अब देखिए 4 के 3 फैक्टर्स होंगे इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो ऐसे 2 नंबर जिनके सिर्फ 1 कॉमन होता है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम, ईजी 2 एंड 3। अब 2 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? ओनली 1। तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 9 एंड 16, 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9, और 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 एंड 16। अब इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं बुक की तरफ। पेज नंबर 20 है, इसके ऊपर कुछ आपके टेस्ट्स हैं, ठीक है। क्लास वर्क लिख लें, डेट लिख लें, पेज नंबर 20। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट बेसिकली ये चेक करने का तरीका होता है, जैसे हम इवन नंबर्स को चेक करते हैं कि जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और जो हमारे इवन नंबर नहीं होते वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे? 0 2 4
सिक्स एट ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जिनके एंड पे ज़ीरो या ये इवन नंबर्स आ जाएंगे वो टू पे डिवाइड हो जाएंगे, जिनके एंड पे नहीं आएंगे वो टू पे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे टेस्ट्स होते हैं। तो अब हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स आएंगे, वो कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इफ़ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विद द हेल्प ऑफ दीज रूल वी डू नॉट नीड टू लॉन्ग डिविजन्स। ठीक है, जब हम इन्हें चारों रूल्स का हमें पता होगा तो हम जो है लॉन्ग डिविजन्स बार बार करने से बच जाएंगे। सो लेट सी वट इज़ द रूल नंबर वन। एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6 and 8 एट द यूनिट प्लेस ऑफ डिविजिबल बाई 2 All even numbers are divisible by 2। वही जो रूल जो मैंने अभी आपको समझाया है कि जिस नंबर के, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 9752, तो अगर हमने इसको डिवाइड करना है, हम चेक करेंगे इसकी वंस या यूनिट्स की प्लेस में क्या है। अगर तो इसकी यूनिट्स की प्लेस पे कोई इवन नंबर है तो ये यस है, ये 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, अगर इसके एंड पे हमारे पास सिर्फ 975 है और एंड पे इसके ऑड नंबर है, इट मींस कि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं रूल 2 की तरफ। इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 343, अब हमने इसको डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है। हम चेक कैसे करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन की करने के बजाय हम तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 + 4 + 3 इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 and 4 7, 7 में 3 प्लस किया तो 10, तो इनका जो सम आ गया वो 10 आ गया। अब आपने ये देखना है कि जो इनका सम आया है क्या ये 3 के टेबल में जाता है। अगर तो ये 3 के टेबल में जाता है तो इट मीन्स कि ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। अगर ये 3 के टेबल में नहीं जाता तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे 342 है, इनको हम ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास 4, 3, 7 and 9, इनका सम हमारे पास 9 आ जाता है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 3 पर डिविजिबल है। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एनी नंबर विद 0 or 5 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका ये है कि जिस नंबर के एंड पे यूनिट्स पे 5 या 0 आ जाएगा वो जो है 5 पे डिविजिबल होगा। रूल नंबर 4 है, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10, और जिसके कोई भी नंबर चाहे वो जितना भी लेंथी है, जितना भी बड़ा है, उसके एंड पे अगर 0 है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ 138 डिविजिबल बाय 2, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। 138 डिविजिबल बाय 2, हमने ये बताना है कि क्या ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। हम यूनिट्स में देखेंगे, अगर तो हमारा इवन नंबर होगा तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा, सो इट्स अ येस। नेक्स्ट देखते हैं 105 डिविजिबल बाय 3, तो क्या है 5 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आता हुआ तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 में 1 प्लस किया तो 6 जो है 3 के टेबल में जाता है तो 105 भी डिवाइड हो जाएगा। यही रूल हमारा 5 और 10 के साथ भी हो जाएगा। ओके जी, अब आते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ, पेज नंबर 22। क्लास में को डेट लिखेंगे। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट यूनिट प्लेस। जिस नंबर की यूनिट्स में, जैसे कि हमारे पास 495 है, जिस नंबर की यूनिट्स में 5 है तो क्या, तो वो डिविजिबल बाय डैश, वो किससे डिविजिबल होगा, तो वो किससे डिविजिबल होगा, यस वो 5 से डिविजिबल होगा। 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश, जो हमारा 156 है वो किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, 156 के एंड पे देखे क्या है हमारा 6, तो ये एक इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद सम करके देख लेते हैं, 5 and 1 6, 6 and 6 12, तो 12 सम आ गए, हमारा 3 पे डिविजिबल होगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, टेबल्स पढ़ लेते हैं, 6 3 2 12 3 6 6 36, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। उसके बाद हमारा सी पार्ट है,
इफ़ अ नंबर है ज़ीरो एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय ज़ीरो है तो वो इवन है, तो सबसे पहले तो वो टू पे जाएगा, उसके बाद ज़ीरो है तो वो फाइव पे भी जाएगा, ज़ीरो है तो वो टेन पे भी जाएगा, ठीक है। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस में ज़ीरो है वो इवन भी है, वो टू फाइव और टेन तीनों पे जाएगा। डी पार्ट है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय थ्री दैन द नंबर इट सेल्फ इज डिविजिबल बाय थ्री। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, सारे इवन नंबर जो हैं वो टू पे डिवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये बताना है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहला है 20,589 इज़ डिविजिबल बाय थ्री, तो थ्री की डिविजिबिलिटी का टेस्ट को चेक करने का मेथड क्या है कि इन सब डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। टू प्लस फाइव सेवन, सेवन प्लस एट फिफ्टीन, फिफ्टीन में नाइन प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 जो है थ्री के टेबल में जाता है, सो इट इज़ ट्रू। उसके बाद 160 इज़ डिविजिबल बाय टू, तो एंड पे हम देखेंगे यूनिट्स में इवन नंबर है तो ये टू पे डिविजिबल है, सो इट इज़ ट्रू। 225 इज़ डिविजिबल बाय फाइव एंड टेन, अब देखेंगे यूनिट्स में हमारा फाइव है तो ये फाइव पे तो जाएगा लेकिन ये टेन पे नहीं जाएगा, सो इट इज़ फॉल्स। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय टेन इज़ डिविजिबल बाय फाइव, जो नंबर टेन पे डिवाइड हो जाएगा वो फाइव पे भी डिवाइड होता है, यस वो फाइव पे डिवाइड होता है, ट्रू है। उसके बाद है 5,563 इज़ डिविजिबल बाय फाइव, यूनिट्स में देखिए अगर ज़ीरो और फाइव है तो वो फाइव पे डिवाइड हो जाएगा, अगर फाइव और ज़ीरो नहीं है तो वो डिवाइड नहीं होगा, सो इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में हमने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं। 6,234 इज़ डिविजिबल बाय, ये किस किस से डिवाइड होगा, एंड पे है फोर तो टू पे तो ये ज़रूर जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। उसके बाद हम थ्री की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन में फोर प्लस किया तो फाइव, सो ये टू एंड थ्री दोनों पे जाएगा। 4,600 इज़ डिविजिबल बाय टू भी जाएगा क्योंकि इवन है, फाइव पे भी जाएगा ज़ीरो है, टेन पे भी जाएगा कि ज़ीरो है, सो टू फाइव एंड टेन तीनों पे जाएगा ये। 525 इज़ डिविजिबल बाय फाइव पे तो जाएगा क्योंकि यूनिट्स में फाइव है, टू पे नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, थ्री की चेक कर लेते हैं, फाइव फाइव टेन एंड टू ट्वेल्व, ट्वेल्व जो है वो थ्री के टेबल में आता है, सो फाइव एंड थ्री इज़ द राइट आंसर। डी पार्ट है अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय फाइव इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़, नंबर जो है वो फाइव पे डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होगा, इवन फाइव और ज़ीरो, फाइव ओनली, ऑड बट नॉट फाइव, फाइव और ज़ीरो वो हमारा फाइव पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री इज़ डिविजिबल बाय, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री इज़ डिविजिबल बाय 15 हो जाएगा, 15 हमारा किस किस पे डिवाइड होगा, 5 एंड 3, 5 ओनली, 3 ओनली या 2 ओनली, ये 5 एंड 3 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दे के हम आंसर करेंगे, विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होंगे, हम उनको टिक करेंगे। हम यूनिट्स में देखेंगे अगर हमारे इवन नंबर होंगे तो इसमें हमारा ये 0 है, यस, ये 6 है, बी भी जाएगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई यस होगा, एफ यस होगा, जी नहीं होगा क्योंकि एंड पे नाइन है, नाइन इज़ एन ऑड नंबर, ये भी नहीं होगा, एंड पे फाइव है, फाइव इज़ एन ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री, थ्री से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो थ्री के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद करें कि सारे डिजिट्स को हम सम अप करेंगे, सिक्स एंड टू एट, एट में फोर प्लस किया ट्वेल्व, सो इट्स अ यस। उसके बाद है 2,358 तो इसको प्लस कर लेते हैं, थ्री एंड टू फाइव, फाइव एंड फाइव टेन एंड एटीन, एटीन थ्री सिक्स जार एटीन, तो इट्स अ यस। 133 एंड वन फोर, फोर जो है थ्री के टेबल में नहीं जाता, सो इट्स अ नो। 3,612, सिक्स एंड थ्री नाइन एंड वन टेन एंड टू ट्वेल्व, ट्वेल्व जो है वो थ्री के टेबल में जाता है, सो इट्स अ यस। विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय फाइव, फाइव पे वो जो नंबर्स जाते हैं जिनके एंड पे यूनिट्स प्लेस में ज़ीरो या फाइव होंगे, तो 2,900, यस, नो, यस एंड ए सी एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 23 है, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 पे जो नंबर डिवाइड होते हैं उनके वंस में या यूनिट्स की प्लेस में ज़ीरो आता है। तो हमारा ए जो है 7281, ये इसकी यूनिट्स में ज़ीरो नहीं है, सो इट्स अ नॉट। तो कौन कौन सी ऑप्शन हमारी इसमें सही होंगी? इट्स अ बी, सी, ई एंड एच, दीज आर दी राइट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है, यूज़ द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपने बुक के ऊपर ही करना है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। ओके जी, थैंक यू।